फालतू मत कर। हेलो, हम 5 मिनट में मिनिस्टर को उसके घर से लेकर निकल जाएंगे। अरे साले साहब, आप खाली आ जाओ। सारा इंतजाम हो गया ना? आके खुद देख लो ना। ओके। ए, ये रास्ते के बीच में क्या तमाशा लगा रखा है? दिमाग तो ठीक है, चलो गाड़ी हटाओ। तू इधर नया आया है क्या? ये इतनी सारी पब्लिक इधर शांति से काय को खड़ी है, तेरे भेजे में बात नहीं घुसी क्या? एक्चुअली मैं मिनिस्टर आ रहे ले, अब उनका साला उन्हें लेके आ रहेला है। 1 घंटा तो इधर रुक, खाली स्टैचू का इनॉग्रेशन हो जान दे, और अगर तू तो नहीं रुक सकता तो अपन के पास एक आइडिया है स्पेशल तेरे वास्ते। इधर खड़े ले किसी को भी बस एक बार हॉर्न बजाने के लिए मना ले, फिर हम लोग निकल लेंगे। तमें तो हॉर्न बजवाओ साहेब। अबे रस्ते के बीच में डिस्कशन क्यों कर रहे हो? घर पे जाके करो। क्या बे, बड़ी जल्दी है तुझे। पॉल्यूशन की वजह से पहना था यार। मैं कोई बैंक लूटने नहीं जा रहा हूं जो दिन दहाड़े मुंह ढककर यहां वहां फिरूंगा। एम्बुलेंस को रास्ता दे, इतनी भी अक्कल नहीं है। बिना परमिशन अंदर कैसे आए? चलो निकलो यहां से, आउट। नेक्स्ट मंथ शैलो इज गोइंग टू डायरेक्ट एन एक्ट। कांग्रेट्स। थैंक यू कीर्ति। ऑल द बेस्ट शैलो। थैंक यू सो मच। हे, हु आर यू? बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? तमीज नहीं है? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? सिक्योरिटी। यहाँ कीर्ति कौन है? मैं। तुम्हारा लवर, क्या नाम है उसका? तारुण। उसकी शादी किसी और लड़की से हो रही है, उसका बाप शादी के इंतजाम में लगा हुआ है, तेरा बाप मेरे पास है। वो चाहे तुझसे कितना भी प्यार करता होगा, पर तेरी तरह वो भी अपने बाप से बहुत प्यार करता है। बिल्कुल भी बेवकूफी मत करना, चुप रहोगी तो तुम्हारा बाप सही सलामत घर लौट आएगा। पुलिस या मीडिया के पास गई तो मम्मी के लिए दूल्हा ढूंढना। ए दाढ़ी, बैठ। वो बार बार मेरे सामने आ जाती है, हमारे बीच कुछ तो है। समझ में नहीं आता कि सिर्फ मैं प्यार करता हूं या उसे भी कोई इंटरेस्ट है। हेलो।
हेलो, कौन बोल रहा? क्यों बताऊं? याद है तुम्हें लिफ्ट दी थी, बीच में ही उतार दिया था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कीति, क्या है ये सब? शैलू, प्लीज चली जाओ, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन, खुद मैनेज कर लूंगी। देख, रो मत, मैं तरुण के बिना जिंदा नहीं रह सकती। मेरी बात तो पूरी होने दे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। कीति, प्लीज प्लीज चली जाओ। फीलिंग करो, आर यू फीलिंग बेटर? मेरी लाइफ में सारे गुंडे भरे पड़े हैं। चुप चुप, ए चुप। ये शराब पीने से वो तुमसे शादी करेगा क्या? इससे कुछ नहीं होने वाला, तुम कुछ और ट्राई करो। तो क्या करूं? हम लड़कियां दारू पीने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कोई बात नहीं, मुझ पे तो भरोसा करती हो ना? मैं तुम्हें जानती नहीं तो भरोसा कैसे करूं? ओके, तो मैं चलता हूँ। हेलो, सुनो, तो मैं तुम पर भरोसा करूंगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी, तुम्हारा नाम जाने बिना मैंने तुम्हें हक किया। हरी। थैंक यू सो मच हरी। कौन है वो? अपने एरिया का ही है, गुंडागर्दी करके काम करवाने के लिए काफी बदनाम है। उसका नाम महर्षि। महर्षि, ये कैसा नाम है? बचपन में किसी के प्यार में पड़ गया था, तब एक पिक्चर आई थी जिसमें हीरो का नाम महर्षि था। फिल्म की हीरोइन और इसकी हीरोइन दोनों का नाम सुचित्रा था, इसलिए उसका फिल्म से कनेक्शन जुड़ गया। 4 साल तक उस लड़की के पीछे पड़ा रहा, पर उस लड़की की शादी हो गई और ये मजनू से देवदास बन गया। तब से रोज रात 8 बजे वो महर्षि पिक्चर देखता है और रोता धोता रहता है। टोटल खिसका हुआ है, उसे संभालना बड़ा मुश्किल है। जरा ध्यान से, ज्यादा दीघा मत बनाना और ऊपर नींबू निचोड़ना। अब यार महर्षि, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, मेरी शादी तय हो गई है, तुम इस सुचित्रा को भूल जाओ। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे, उसका नाम क्या था? सुचित्रा। अभी इसको नाम नहीं बताया, क्या है? सुचित्रा। कौन? विचित्रा। तुम्हारी सुचित्रा। शायद लाइन कट गई। नहीं नहीं नहीं, सुचित्रा सुचित्रा, कैसे हो तुम गुलाबराव? प्यार में पागल हो? मुझे माफ कर देना, जब तक मैं तुम्हारा प्यार समझ पाई मेरे बच्चे मुझसे भी लंबे हो गए। देखो देखो सुचु, आवाज कट रही है, अभी क्लियर हो जाएगी। कितना तड़पा हूँ तुम्हारी याद में। हमारी किस्मत में मिलना नहीं था, तुम तो प्यार की अहमियत को समझते हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी कीर्ति के प्यार और शादी के रास्ते में आओगे। कीर्ति? कीर्ति तुम्हारी बेटी है? हाँ। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम टेंशन मत लो, मैं खुद अपनी कीर्ति की शादी करवाऊंगा। वादा रहा सुचित्रा। थैंक्स सुचित्रा, आई लव। It's okay. महर्षि के साथ इमोशनल अत्याचार करने की वजह से उसने कीर्ति के पिता को सही सलामत छोड़ दिया। शादी धूमधाम से हुई। हरी,
a crazy, 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 crazy feeling. It's a crazy, 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 crazy feeling. It's a crazy, 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 crazy feeling. It's a crazy, 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 crazy feeling. हेलो शैलू, तेरे पापा मुंबई आ रहे हैं। तू घर पर है ना? नहीं, अभी ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ। उनसे मिल लेती, बाय। हर बाप बेटी का एक खास रिश्ता होता है और हर बेटी अपने पिता के बहुत करीब होती है। मैं भी बचपन में अपने पिता की गुड़िया बनना चाहती थी। वो जब घर पर नहीं होते तो उनकी याद में आंसू बहाती, माँ से बार बार उनके बारे में पूछती। लेकिन फिर मैं समझ गई कि मेरे पापा वैसे नहीं हैं जैसा मैं उन्हें समझती थी। I started hating my father. पापा ने मेरे पप्पी को मार डाला। मेरे पापा अच्छे पापा नहीं हैं।